हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर प्रैक्टिस ब्लॉग। गाइस, तो आज का ये प्रैक्टिस ब्लॉग बहुत ही ज्यादा बेकार होने वाला है क्योंकि गाइस इतनी ज्यादा बारिश की पानी लगी हुई है ना नेट से, मतलब कि मैं रूम से सोच के आया था कि टर्फ विकेट खाली होगी, सूखी हुई होगी, तो मैं उसे स्पिन की ड्रिल करूंगा और स्पिनर के अगेंस्ट बैटिंग करूंगा। अच्छा, लेकिन गाइस टर्फ विकेट तो पूरी गीली की गीली है, बाकी बच्चा दो सीमेंटेड और एक स्ट्रो, तो एक स्ट्रो में भी पानी लगा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास एक गलती ये है ना कि मैं रूम से सोच के आया था कि कल रात को बारिश नहीं हुआ है तो पूरा सूखा सूखा होगा, तो लेदर बॉल से कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने सिंथेटिक या फिर प्लास्टिक ब्लॉक कुछ भी नहीं रखा। लेकिन आसपास के जितने सारी घास है ना गाइस पूरी की पूरी भीगी हुई है, तो लेदर बॉल इधर उधर जाने पर पूरा खराब हो सकते हैं, और मैं उसमें भी लेदर बॉल पूरा अच्छा अच्छा ही लेकर आया, एक भी खराब लेदर बॉल नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब नेट के अंदर सीमेंटेड करके ड्रॉप एंड ड्राइव कर लेते हैं ताकि बॉल भी खराब ना हो, और थोड़ी देर बाद जब घास सूख जाएगी थोड़ी बहुत, तो उसके बाद अंडर आर्म कुछ और ओवर आर्म कर लेंगे। आपको मैं नज़ारा दिखा दूँ तो बहुत ही ज़्यादा गीली है पूरी, जो भी नेट के आसपास की साइड है पूरी गीली की गीली है, तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पाएगी। तो अंडर आर्म और ड्रॉप बॉल पे ही ज़्यादातर आज हमें काम चलाना होगा। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं कि आज मैं अंडर आर्म में क्या क्या ड्रिल कर रहा हूँ और कैसे मैं अपने बैटिंग को इम्प्रूव करने जा रहा हूँ रैनी सीजन में। तो गाइस रैनी सीजन का ये मेरा पहला प्रैक्टिस ब्लॉग है क्योंकि इंडोर का कुछ अलग ही मामला है गाइस, इसीलिए मैंने अभी CAP छोड़ दी है 2 महीने के लिए, और रैनी सीजन पूरी फिटनेस और कैचिंग फील्डिंग और थोड़ी बहुत जो बैटिंग की बेसिक होती है उस पर काम करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हो भाई पूरी की पूरी गिल्ली पड़ी हुई है, मिट्टी भी रखा हुआ था सूखा सूखा बॉलर के रनअप के लिए, तो वो सब भी गिली है पूरी। वहाँ पे उस नेट में भी पानी है, ये नेट भी गीला है, पूरा टर्फ विकेट भी गीला पड़ा हुआ है। सब प्लेयर सदमे में है कि कैसे प्रैक्टिस करेंगे, पर कोई ना अंडर हमें। गाइस सबसे पहले हमारा अंडर आर्म का ड्रिल है ड्रॉप बॉल ड्रिल। तो गाइस मैं ड्रॉप बॉल की ड्रिल करने जा रहा हूँ बहुत ही दिनों बाद। लास्ट टाइम मैंने ड्रॉप बॉल की ड्रिल की थी जब सिवेन सर का प्रश्न,
तो भाई साहब अभी अभी हम लोग प्रैक्टिस एक सेट और करके खत्म हुआ, तब तक आदर्श भैया इधर प्लास्टिक बॉल से अंडर आर्म कर रहे थे, और जो फीडर भैया थे लेफ्टी नेपाली भैया, तो उनको बार बार आसपास से बॉल निकल रहा था हरदम, जब ये ड्राइव मार रहे थे प्लास्टिक बॉल था, जल्दी बैट चलने के कारण हवा में चल जा रहा था शॉट, लेकिन एक स्ट्रेट ड्राइव का बॉल आया और इतना जोर से उनके पैर पर लगाना भाई कि अभी उनका हालत देख सकते। स्ट्रेट ड्राइव मारने वाला बॉल था, हमको पता था मारिएगा। अरे भाई ये तो उठ गया बहुत जल्दी, ऐसे तो नहीं उठाए। दिखाइए तो कितने चोट लगा है। अरे भैया तो देख लियो। अरे देख सकते हो भाई पूरा लाल, रुके ना ठीक है, काला हो गया। A few minutes later. तो भाई साहब मेरे पास तो टेनिस बॉल नहीं थी, लेकिन जो यहाँ के ग्राउंड स्टाफ है विमलेश भैया, उनसे मैंने 5 टेनिस की बॉल मांगी ताकि मैं अपनी हिटिंग को इम्प्रूव कर सकूँ। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि मुझसे हिटिंग हो ही नहीं पाती है, रेंज हिटिंग और आरा टेरा खेलने के चक्कर में मैं मैच में भी आउट होता हूँ या फिर नेट में भी आउट होता हूँ। तो सोचा कि अभी बरसात की भी दिन चल रही है और लेदर बॉल से मैं जब अंडर आर्म और ड्रॉप बॉल कर रहा था तो पूरा जो बारिश की पानी लगी हुई थी उसके कारण मेरी लेदर बॉल पूरी खराब हो गई है, तो इसीलिए मैंने विमलेश भैया से 5 टेनिस बॉल मांगी और जा रहा हूँ इससे पहले ड्रॉप बॉल की पावर हिटिंग करने, और कोशिश करूंगा कि डेली में पावर हिटिंग कम से कम 50 या फिर 100 बॉल करने की कोशिश करूं ताकि मेरी भी रेंज हिटिंग अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस आज का हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेशन का ये है, ओवर आर्म है टेनिस बॉल भिगाकर, कट पुल की प्रैक्टिसेस, ड्राइव डिफेंस और थोड़ी बहुत स्विंग भी होगी, स्किट करके भी आएगी तेज। तो गाइस आप सब जब भी ये टेनिस बॉल भिगा के प्रैक्टिस करना तो मेक श्योर हो जाना कि गाइस आप लोग ने पूरा प्रोटेक्शन पहना हो, खास करके एडी गार्ड, और अगर आप लोग पहले से खेल रहे हो प्रैक्टिस अच्छे से करते हो ज़्यादा मतलब टैलेंटेड हो तो आप लोग बिना चेस्ट गार्ड लगाए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग चेस्ट गार्ड लगा कर ही हमेशा प्रैक्टिस करना, क्योंकि टेनिस बॉल जो भिगा कर आती है ना बहुत ज़्यादा स्किट करती है भाई, आपको हो सकता है कि चोट लगने के कारण इंजरी भी हो जाए और पूरी बारिश के दिन में आपको बैठनी पड़े घर पे और आपकी फिटनेस भी ना हो पाए, कैचिंग फील्ड भी ना हो पाए, तब कोशिश करना गाइस कि आप पूरा प्रोटेक्शन के साथ ही बैटिंग करना। जैसे कि मैंने भी अभी चेस्ट गार्ड लगा लिया, मैं अभी तक चेस्ट गार्ड लगाकर कभी भी बैटिंग नहीं किया हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम चेस्ट गार्ड लगा के जा रहा हूं टेनिस बॉल भिगा कर प्रैक्टिस करने। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं ओवर आर्म टेनिस बॉल भिगा कर कट पुल और ड्राइव डिफेंस। लेदर पर तो जाएगा। ओए बॉल यार।
A few minutes later. ये यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखिए गाइस, ये जो लड़का दिख रहा है ना, वो रूनी की चोरी करने जा रहा है। कुछ समझे दया? देखिए, और रूनी चोर तोड़ लिया है, पॉकेट में रखा है, और देखिए जो चुरा रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। से आपको पता चल रहा है, देखिए रूनी चोर, देखिए रूनी पॉकेट में उधर रखा लिया है। देखिए रुन्नी की चोरी कर रहा है। अरे भैया, तो जा देख लियो। देखिए गाइस, देखिए अभी तक मना नहीं है, अभी तक 10-15 रुन्नी चुरा चुका है। चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। तो फाइनली गाइस, आज की हमारी क्वालिटी बैटिंग प्रैक्टिस की यहीं पे एंड होती है गाइस। और आज की बैटिंग प्रैक्टिस में मैंने तो पहले 50 बॉल ड्रॉप बॉल की प्रैक्टिस की, और ड्रॉप एंड ड्राइव की प्रैक्टिस की, और सेकंड में मैंने अंडर आर्म डिफेंस एंड ड्राइव की प्रैक्टिस की, और उसके बाद 50 बॉल स्पिन खेली ओवर आर्म धीरे धीरे, और उसके बाद स्पिन के बाद मैंने 50 बॉल पावर हिटिंग की, और पावर हिटिंग के बाद मैंने ओवर आर्म टेनिस बॉल को भिगाकर बाल्टी में पानी रख के टेनिस बॉल को भिगाकर गाइस उससे ओवर आर्म तेज तेज कट पुल बैक फुट पंच और ड्राइव की प्रैक्टिसेस की। तो आज की ये क्वालिटी बैटिंग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से हो गई गाइस, और साथ में सैमुद्दीन भी था जो भी बहुत अच्छा बैटिंग किया, और ये तो हेलमेट ही निकाल के मार दे रहा था भाई टेनिस बॉल को, इतना बेखौफ होकर खेल रहा था ना। मैं तो वीडियो में बता रहा था कि भाई प्रोटेक्शन यूज करके खेलना, नहीं तो चोट लग जाएगा, ये बिना हेलमेट के ही खेल लेता है, इतना रिएक्शन टाइम इसका अच्छा है। अब इसको नेपाल टीम से खिलवाना है भाई कैसे भी। तो फाइनली गाइस, आज की प्रैक्टिस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए प्रैक्टिस ब्लॉग या फिर मैथ ब्लॉग में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत भाई।